हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माधवीज़ किचन। मैंगो का सीज़न आ गया है और मैं आज आपके लिए मैंगो की एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मैंगो रवा कपकेक्स। मैंगो फ्लेवर के केक सभी को काफ़ी पसंद आते हैं और आज ये जो केक हम बनाएंगे ना, ये मैंगो और रवा से बनाएंगे। इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और रवा से बना हुआ ये जो केक है ना, ये इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है ना कि बस पूछिए ही मत। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ना कि 100% गारंटी है, आप एक बार इसे बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है और साथ ही बहुत ही आसान है बनाने में। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सारे घर पर आसानी से सबके घर में अवेलेबल होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बनाएंगे ये सुपर इजी, बहुत ही डिलीशियस मैंगो रवा कपकेक्स। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम मैंगो ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ये इस तरह का बड़े साइज़ का मैंगो लिया है। आपका जो भी फेवरेट मैंगो है ना, आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना है कि मैंगो पल्प वाला होना चाहिए, रस वाला मैंगो यहाँ पर यूज़ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह का मैंने मैंगो ले लिया है, पका हुआ, अच्छा सा पका हुआ मैंगो है और काफ़ी मीठा भी है। तो अब मैंगो को मैंने अच्छे से वॉश करके इसको पील कर लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे और इसको हमें प्योरे बनाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से हम इसको चॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। अब हम मैंगो की प्योरे बनाएंगे। तो मैंगो को मैंने एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसकी एकदम स्मूथ सी प्योरे बना लेंगे। तो यहाँ हमारी जो मैंगो की प्योरे है ना, ये तैयार हो गई है। ये देखिए, एकदम स्मूथ सी प्योरी है। तो अब हम इस मैंगो प्योरी को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। मैं पहले आपको मैंगो प्योरी को कप से नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो मैंगो प्योरी मैंने तैयार किया है ना, ये करीब करीब 3/4 कप के लगभग मैंगो प्योरी हमारे यहाँ पे तैयार हुई है। तो आप आधा कप से लेकर 3/4 कप मैंगो प्योरी ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो अब ये मैंगो पल्प को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पे जो सूजी मैंने यूज़ की है ना, ये फाइन वाली सूजी है जिससे हम उपमा हलवा वगैरह बनाते हैं ना, वही वाली सूजी मैंने यहाँ पे ली है। आपके पास अगर रोस्टेड सूजी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे 1/2 कप चीनी का पाउडर मैंने डाल दिया है। नॉर्मल चीनी है, उसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया था, उसी को मैंने यहाँ पे डाला है। 1/2 कप इसमें हम डाल देंगे दूध और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दूध को मैंने पहले से उबाल लिया था और उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया था। जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हम क्या करेंगे ना, सूजी को फूलने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमारा ये जो बैटर तैयार हुआ है, इसको हम ढककर 15 से 30 मिनट तक रख देंगे, छोड़ देंगे इसको ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पर कपकेक्स बनाने के लिए मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है। आपके पास अगर ये मोल्ड ना हो तो कोई बात नहीं, आप पेपर मोल्ड्स में भी कपकेक्स बना सकते हैं। और अगर मोल्ड्स ना हो तो आप छोटी छोटी कटोरी में भी कपकेक्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे बैटर जो हमारा है वो रेस्ट करते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये जो बैटर हमारा है ये फूल गया है। सूजी अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हैं, सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। ऑयल जब भी यहाँ पे यूज़ करना है हमें, बिना फ्लेवर का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे वनीला एसेंस और 1 चुटकी नमक ऐड कर देंगे और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इस बैटर को हमें एक बार ब्लेंड कर लेना है ताकि जो सूजी है ना, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद जब हम केक बनाएंगे ना, तो केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा और वो टूटेगा नहीं। अगर इस बैटर से हम केक बनाएंगे तो केक काफ़ी क्रम्बली बनेगा, तो इसलिए हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी जिससे केक हमारा क्रम्बल नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी भी बनेगा। तो ये देखिए, बैटर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये बैटर बना है। सूजी या रवा से जब भी केक बनाना है तो इसी तरह से हमें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो हमारे जो केक है ना, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब अच्छे से बैटर में बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा को मिक्स करेंगे। बस ध्यान देना कि बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि बैटर में अच्छे से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स हो जाए। और इस बैटर में हमें विनेगर वगैरह नहीं डालना है क्योंकि
मैंगो में थोड़ा सा अपना खट्टापन भी होता है, वो इनफ है बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए। तो अब हमारा ये जो बैटर है तैयार है, तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मोल्ड्स में। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बैटर मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मैंगो पल्प यूज़ किया है ना, उसमें भी बहुत सारा मॉइस्चर है, तो इसलिए अगर हम बैटर को बहुत ज़्यादा पतला बना देंगे ना, तो ये जो केक्स है ये फूलेंगे नहीं, और फूलने के बाद ये सिंक भी हो सकते हैं, इसलिए बैटर को हमें थिक रखना है। तो ये देखिए सारे मोल्ड्स में मैंने बैटर को डाल दिया है, और कपकेक्स को सजाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है स्लाइस किए हुए आलमंड्स और पिस्ता। आपको अपनी मनपसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट चिप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है तो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आलमंड्स और पिस्ता डेकोरेट कर दिया है कपकेक्स के ऊपर में, और ये हमारे जो कपकेक्स हैं ना बिल्कुल तैयार हैं अब बेक करने के लिए। थोड़ा सा बैटर मेरा बच गया था तो मैंने पेपर मोल्ड्स में बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया, और ये देखिए इस तरीके से अब ये हमारे कपकेक्स तैयार हैं बेक करने के लिए। बेक करने के लिए मैंने अपने अगारो 48 लीटर ओटीजी को प्रीहीट कर लिया 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर, और अब इसमें हम रख देंगे कपकेक्स बेक करने के लिए। जो पेपर मोल्ड्स मैंने रेडी किए थे उसको भी रख देंगे। मैंने केक्स को मिडिल रैक पर रखा है बेक होने के लिए, दोनों रॉड्स मैंने ऑन रखे हैं और कन्वेक्शन को भी ऑन रखा है, और अब 20 से 25 मिनट तक हम केक्स को बेक करेंगे, और 25 मिनट्स में हमारे जो केक है ना ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुका है और हमारे जो कपकेक्स हैं ना बहुत अच्छे से रेडी हो गए। ये देखिए नाइफ से मैंने चेक भी कर लिया है, नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इस पर बैटर बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो केक्स हैं ना बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। तो अब हमारे केक्स बेक हो गए हैं, तो इनको हम ओवन से निकाल लेंगे और इनको हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे मैंगो कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं, और बहुत ही फ्लफ़ी बने हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको इनको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारे मैंगो रवा कपकेक्स बिल्कुल तैयार हैं, ठंडे हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये हमारा कपकेक। तो छोटे साइज़ के यहाँ पे 10 कपकेक्स हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने हैं इन, और इतना बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है ना कपकेक्स का कि बस मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा ये मैंगो कपकेक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एकदम रुई की तरह, और ये देखिए पेपर मोल्ड में जो हमने बनाया था ना वो भी, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा ये केक बेक हुआ है, और बहुत ही बढ़िया मैंगो रवा कपकेक बनकर तैयार हुआ है। एक कपकेक को मैं आपको कट करके इसके अंदर का भी टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे से एयर पॉकेट्स बने हुए हैं, और बहुत ही स्पॉन्जी और डिलीशियस हमारा ये रवा कपकेक बनकर तैयार हुआ है। मैंगो का सीज़न है, मैंगो से बने हुए रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करने चाहिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।